नमस्ते, मैं डॉक्टर कोमल आलूवालिया, कंसल्टेंट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट एंड स्क्विंट स्पेशलिस्ट साई बाबा आई हॉस्पिटल की तरफ से आज आपको बच्चों की आँखें का केयर कैसे करना चाहिए और बच्चों की आँखों में क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिससे आपको इमीडिएटली एक स्पेशलिस्ट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाके उसकी आँखें जाँच करानी चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी देने जा रही हूँ। पहले तो नवजात शिशु जब पैदा होता है बच्चा, तो उसकी आँखों में क्या क्या इमीडिएट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसके बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले बच्चा प्रीमेच्योर है कि पूरे टाइम पे पैदा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली बच्चे का आई जांच ज़रूरी है। अगर प्रीमेच्योर है बच्चा, 34 हफ्ते से पहले पैदा हुआ है, तो रेटिना का जांच कराना बहुत ज़रूरी है एक रेटिना स्पेशलिस्ट से, ताकि आरओपी नाम की बीमारी का सही टाइम पे इलाज हो पाए। अगर बच्चे की आँख 34 हफ्ते पे ही सही है तो रेगुलर फॉलोअप कराएं। उसके बाद बच्चों की आँखों से आंसू आने की समस्या, जब बच्चा पैदा होता है तो शुरू का एक हफ्ता बच्चे की आँख में आंसू का प्रोडक्शन ही नहीं होता है। एक हफ्ते के बाद बच्चों की आँखों में आंसू प्रोड्यूस होना शुरू होता है। तो यदि आपके बच्चे में आंसू की नली का ब्लॉकेज है तो बच्चे की आंख में आंसू आता रहेगा और आंसू टप टप करके गिरता रहेगा। तो वो समस्या जो है उसका है हल आई ड्रॉप्स और मसाज से किया जा सकता है। तो उसके लिए भी आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे की आंख से आंसू की वजह से जो कीचड़ पैदा होता है उसको जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। एक और समस्या है कि बच्चों की आँख में चोट लगना। हो सकता है बच्चे की आँख में अगर चोट वोट लग जाए तो बच्चे की आँख के अंदर इधर उधर का कोई भी ड्रॉप्स मत डालिए, तुरंत बच्चे की आँख में पैच करके उसको ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के पास लेके जाइए, ताकि देखा जा सके कि चोट की वजह से आँख में क्या प्रॉब्लम आई है, कितनी गहरी चोट है, कहाँ प्रॉब्लम आई है, और उसका जल्द से जल्द हम इलाज कर पाएँ। एक और समस्या है कि बच्चे की आँख में लालीपन आना। लालीपन के कई कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन कारण है लालीपन और आँख में खुजली होना, जो कि एलर्जी के लक्षण रहते हैं। डस्ट एलर्जी हो सकती है या किसी और तकलीफ की वजह से एलर्जी हो सकती है। लगातार सर्दी खांसी की वजह से आँखों में एलर्जी आ सकती है, तो उसके लिए हम आई ड्रॉप्स वगैरह दे सकते हैं, ताकि वो एलर्जी को कंट्रोल में किया जा सके। बच्चों की आँखों में स्क्वेंट या टेढ़ापन होना। पेरेंट्स हमारे पास अक्सर आते हैं जो बोलते हैं कि बच्चे की आँख अंदर को है या बाहर को अक्सर जाती है, तो वो चीज़ अगर आपको लग रही है, हल्का सा भी डाउट है, तो तुरंत अपने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को दिखाइए, ताकि पता चल जाए कि आँख में टेढ़ापन क्यों है। टेढ़ापन कई बार अचानक से ऐसे ही उभर के आ जाता है, कई बार बच्चे को उस आँख से अच्छे से नहीं दिख रहा होता तो टेढ़ापन आ जाता है, कई बार सफ़ेदी की वजह से या किसी चोट की वजह से लंबा टाइम बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा, उसी की वजह से आँख टेढ़ेपन में आ जाती है। कई बार सिर्फ चश्मा नंबर ही देना पड़ता है तो आँख लगातार चश्मा से ही ठीक हो जाती है। तो उसके लिए भी आपको तुरंत दिखाना ज़रूरी है, ताकि जल्द से जल्द उसका इलाज किया जा सके। सफ़ेद मोतिया एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों की आँख में किसी भी उम्र में पाई जा सकती है। नवजात शिशु भी आँख में सफ़ेदी लेके पैदा हो सकता है, बट अक्सर यह बीमारी 60 साल के उम्र के ऊपर पाई जाती है। तो इतनी छोटी उम्र में पेरेंट्स को ऐसा शक रहता ही नहीं है कि बच्चे को भी सफ़ेद मोतिया हो सकता है। बट अगर आपको अपने बच्चे की आँख में सफ़ेदीपन लगे, आँख के काले घेरे के अंदर लगे कि कुछ सफ़ेद दिखाई दे रहा है, तो तुरंत ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाइए। हो सकता है उसकी आँख में सफ़ेद मोती है कि बीमारी आ गई हो। ये किसी भी उम्र में पाई जाती है, ये बूढ़ों की बीमारी नहीं है, इस तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। नज़र टीका, बच्चों की आँखों में काले रंग का काजल या बहुत ज़्यादा नज़र टीके मुँह में नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि वही हाथ बच्चा अपने नज़र टीके वगैरह में लगाता है, गाल वाल पे जो आप लगा देते हैं, और वही हाथ बच्चा मुंह में डालता है, आंखों में लगाता है, तो उससे इन्फेक्शन का अक्सर चांस रहता है। और नज़र टीका जो हम लगाते हैं वो हमेशा फ्रेश बना हुआ नहीं होता, उससे आंखों के अंदर इन्फेक्शन का चांस रहता है। तो नज़र टीका आँखों में काजल के रूप में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। छोटा सा नज़र टीका अगर आपको यदि लगाना ही है,
को माथे में, गर्दन पे या कान के पीछे लगा सकते हैं छोटी सी बिंदी के रूप में। बहुत ज़्यादा नज़र टीका या काजल नवजात शिशु या छोटे बच्चों में बिल्कुल नहीं लगाइएगा। विजुअल असेसमेंट इन न्यूबॉर्न, यदि आपका बच्चा पूरे टाइम में पैदा हुआ है तो एकदम से उसकी निगाह जांच कराने की आपको आवश्यक ज़रूरत नहीं है, पर जब भी आप अपने बच्चे को नॉर्मल आईओ एग्जामिनेशन के लिए लेके जाएं तो उसका विजन चेकअप वहाँ पर हो जाएगा। और यूजुअली 2 से 3 साल के बच्चे में हम अच्छे से जांच करके बता सकते हैं कि उसकी आँखों की देखने शक्ति सामान्य रूप से पूरी है कि उसमें थोड़ी कमी है। यदि आँखों में देखने की शक्ति थोड़ी कम है तो मोस्ट कॉमन कॉज बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर के रूप से पाया जाता है, जिसका इलाज चश्मा है। कई पेरेंट्स एकदम से बोल देते हैं कि हाय मेरा बेटा तो या मेरी बेटी तो बहुत छोटी है, चश्मा कैसे पहनेगी, कैसे इसको लगाएंगे, इतनी छोटी उम्र में चश्मा इसको कैसे लग गया। बट ये सब चीज़ों को आप नज़रअंदाज करके बच्चे को पूरा चश्मा टाइम पे पहनाएं जैसे कि डॉक्टर आपको सलाह देता है, ताकि उसकी निगाह और ज़्यादा कमज़ोर ना हो। यदि आप छोटी उम्र में ही बच्चे को रिफ्रैक्टिव एरर के लिए चश्मा नहीं पहनाएंगे तो उसकी देखने की शक्ति उम्र के हिसाब से, टाइम के हिसाब से और ज़्यादा कम होने का चांस रहता है।